तो स्टूडेंट, अपनी लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, और मतलब बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो तरह से फॉलो किया जाता है, जो एक दयाबाग जॉइंट फैमिली होती है और दूसरी कौन सी होती है, हमारी मिताक्षरा जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है बेटा, तो हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है उसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। आप सबको पता है करैक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषता है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट, गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। जब मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो किससे गवर्न है, हिंदू लॉ से। ठीक है, सो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म इज डन अकॉर्डिंग टू द अनकॉडिफाइड और कॉडिफाइड हिंदू लॉ। किसके अकॉर्डिंग चलता है ये, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। द अनकॉडिफाइड हिंदू लॉ कंजिस्ट ऑफ टू स्कूल, ये मैंने बताया था मीनिंग में कि भाई दो स्कूल्स को लेके चलते हैं हम, कौन कौन से थे वो, मिताक्षरा एंड दयाभाग। और मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल इंडिया में यूज़ किया जाता है वो मिताक्षरा यूज़ किया जाता है, और वैसे दयाभाग जो है असम एंड वेस्ट बंगाल में यूज़ किया जाता है। इन द सेम वे द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ इट्स मेम्बर्स आर गवर्न्ड बाय अनकॉडिफाइड हिंदू लॉ। तो क्योंकि ये हिंदू लॉ ने गवर्न किया है तो जो भी इसमें राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगे, हमने पढ़ा था कर्ता के बारे में कि कर्ता ही जो होता है वो जो मेन जो काम करता होता है वो मेन कर्ता का ही होता है। तो वो बता रहा है कि जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो राइट्स हैं वो सारे किस में हैं, हिंदू लॉ में है। इसके साथ साथ हमने एक बात पढ़ी थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कि मेंबरशिप बाय बर्थ, है ना। मिताक्षरा स्कूल में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही बेबी होता है वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है किसका, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का। तो द मेंबरशिप ऑफ द फैमिली कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ। ठीक है, हुज एवर इज बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। जो भी पैदा होगा वो क्या बन जाएगा, फैमिली का मेंबर जो पैदा होगा वो बिजनेस का भी मेंबर बन जाएगा। अनलाइक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर्स कैन नॉट बी एडमिटेड टू दिस बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, जो बाकी जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई या फिर हम कोई और जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बाहर से आउटसाइडर से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं कंपनी के। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप आउटसाइडर को एडमिट नहीं कर सकते। By adoption an outsider can be admitted to its membership। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हमने कोई बेबी अडॉप्ट कर लिया तो हम क्या बन जाएंगे, जो आपने बेबी अडॉप्ट किया वो उस फैमिली का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी मेंबरशिप लेने के लिए उसने बताया तो बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है या फिर आप अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट कैसे करते हैं, लीगली अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज अडॉप्शन इज कंसिडर्ड टू द रिप्लेनिटेशन इन द फैमिली बाय विच अ पर्सन इज बीइंग अडॉप्टेड। जो हम अडॉप्ट करें वो भी हमारा क्या बन जाएगा, फैमिली मेंबर तो बनेगा ही, साथ में वो बिजनेस में भी मेंबर बन जाएगा। मैरिज विद द मेल मेंबर्स आल्सो कन्फर्स मेंबरशिप। देखो, बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप मैरिज हो जाती है मेल मेंबर्स की तो वो भी आगे कन्फर्स मेंबरशिप बढ़ जाती है ना, क्योंकि अब कौन हो गया उसके साथ, उसकी वाइफ भी इंक्लूड हो गई है। ठीक है, दिस इज़ बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे आर मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ हैविंग मेंबरशिप बाय बर्थ। ठीक है, जिसकी बर्थ से मेंबरशिप हो रखी है, मान के चल रहे हैं कि कोई बॉय है, ठीक है, उसकी मैरिज हो रही है तो वो तो बाय बर्थ ही क्या है, मेंबर है। अब उसके साथ साथ कौन मेंबर हो जाएगा, जो उसकी वाइफ है वो भी उसकी क्या बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी। दीज आर द ओनली टू एक्सेप्शन बाय विच मेंबरशिप इज एक्वायर्ड अदरवाइज देन बर्थ। देखो, हमेशा बोला कि सिर्फ दो एक्सेप्शन यही है जिसमें कोई और भी जो है मेंबर बन सकता है। फर्स्ट क्या है आपकी एक्सेप्शन, कि अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं किसी को तो भी वो मेंबर बन जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर मैरिज हो रही है, अगर जिस जो पर्सन मेंबर है, मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, अगर उसकी मैरिज हो रही है तो जो मैरिड पर्सन होगा जिससे उसकी मैरिज होगी वो भी इसका क्या बन जाएगा, उसकी भी मेंबरशिप उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो मेंबर होता है वो कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ। ठीक है, मैनेजमेंट बाय कर्ता, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ देख रेख करने वाला कौन होता है, कर्ता ही होता है। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर्ता की, अथॉरिटी तो कर्ता की, कोई लाइबिलिटी है तो कर्ता की। ठीक है, अगर लाइबिलिटी की बात की जाए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है, कर्ता की।
तो द फैमिली अफेयर्स आर मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज करता। ये मैंने आपको बताया था कि करता ही सब कुछ संभालता है और ज़्यादातर वो मोस्टली सीनियर सिटीजन ही होता है, मतलब सीनियरिटी के ऊपर के ऊपर हम बताते हैं कि भाई जो एल्डेस्ट मेंबर है वही हमारा क्या है करता है। बट इन सम केसेस अगर हम चाहें तो किसी और को भी करता बना सकते हैं, बट उस सब के लिए हमें क्या चाहिए होती है, अब एग्री होने चाहिए बाकी मेंबर्स भी उस पर्सन को करता बनाने के लिए। द पावर ऑफ द मैनेजमेंट आर अनलिमिटेड, ही मे मैनेज और मिस मैनेज, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी मेंबर। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कर्ता की सारी जिम्मेदारी होती है, तो किस तरह से काम कर रहा है किस तरह से नहीं कर रहा है उसको किसी, वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। जो बाकी मेंबर्स हैं बिजनेस में वो उनको जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं है कि भाई मैं बताऊँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, ही कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मेंबर्स बट कैन नॉट डिनाई मेंटेनेंस और यूज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सब कुछ वही मैनेज करेगा, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अगर चाहे तो, बट वो डिनाई नहीं कर सकता, मेंटेनेंस तो उसको करनी पड़ेगी यूज ऑफ प्रॉपर्टी। बट द मैनेजमेंट इज मोर इफेक्टिव ड्यू टू द नेचुरल लव एंड अफेक्शन विद द फैमिली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि चाहे तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं अपनी फैमिली से सब प्यार करते हैं, अफेक्शन होता है तो वो कुछ गलत नहीं करते। द मेंबर ऑल्सो हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन करता, क्योंकि हम जो करता चुनते हैं उसके ऊपर विश्वास करके चुनते हैं, उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि वो हमें अच्छे से संभाल लेगा, तो इस वजह से हम जो करता चुनते हैं उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। ओनली करता इज एंटाइटल टू डील विद द थर्ड पार्टी, अगर कोई बाहर आउटसाइडर है तो कौन डील करेगा, करता डील करेगा। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो मैंने आपको बताया था कि जो बाकी मेंबर्स हैं, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, बट जो करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ऑल द मेंबर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ जॉइंट हेल्ड बाय द फैमिली। जितना आपने मान के चले किसी का 10% है तो उसकी 10% तक ही लाइबिलिटी है, किसी का 20% है तो वो 20% तक की लाइबिलिटी है, उसका शेयर जितना है उतने तक ही उसकी लाइबिलिटी होगी, बट जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर कैन नॉट बी टेकन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लोन्स टेकन बाय द फैमिली। ऐसा नहीं होना कि मान के चलो कोई मेरा सेपरेट हाउस है, ठीक है, उसका ओनर मैं हूँ और उसका कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में हमें लॉस हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, तो हम उस जो हमारी एसेट है उसको बेच देंगे, नहीं। ठीक है, इट इज़ ओनली द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जितनी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है बस वही बेच सकते हैं, मतलब पुश्तैनी घर हो गया या ऐसा घर जो मतलब सारी फैमिली के नाम है, तो अगर किसी का कोई पर्सनल घर है तो वो उसको आप इंसॉल्वेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हाउएवर करता इज़ ऑल्सो पर्सनली लाइबल फॉर लोन टेकन ऑन प्रोमिसरी नोट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो करता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर बात आती है कंटिन्यूटी की। देखो कंटिन्यूटी में वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि मान के चलो कि अगर कोई एक्सपायर हो गया तो इट डजेंट मीन कि जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगी। ठीक है बेटा, बंद नहीं होगी, क्योंकि देखो जैसे अगर किसी की डेथ हो रही है तो वहाँ से बर्थ भी हो रहा है तो फैमिली बिजनेस चलता रहता है। एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन इंट्रोडक्शन, द डेथ इन द फैमिली डज नॉट ब्रिंग द जॉइंट फैमिली फॉर्म टू एंड, इट कंटिन्यूज फॉर एवर, देर इज़ नो लिमिट टू इट्स मेंबरशिप नंबर ऑल्सो। क्योंकि जैसे जैसे अगर कोई डेथ भी होती है तो उधर से फैमिली मेंबर जो है वो बर्थ भी अपने आप से मेंबर बन जाता है, तो कंटिन्यूटी चलती रहती है। माइनर ऑल्सो अ मेंबर, देखो जब हमने ये कहा माइनर कौन होता है, बिलो 18 ईयर्स है ना, जो एल्डर नहीं है बिलो 18 ईयर्स एज के होते हैं वो माइनर होते हैं। जब हमने ये बात बोल दी कि बाय बर्थ जो पर्सन है बाय बर्थ ही उसका मेंबरशिप हो जाती है चाइल्ड की पर्सन की, ठीक है, तो अगर बाय बर्थ ही मेंबरशिप होगी तो ऑब्वियसली बात है जो माइनर होगा वो भी क्या हो जाएगा, उसका मेंबर हो जाएगा। अब देखो इसका सेवन्थ और लास्ट पॉइंट क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ करता। हमने बताया था कि जो अथॉरिटी होती है वो इम्प्लाइड, मतलब जो करता है उसी की हम जानते हैं कि ऑटोमेटिकली किसकी अथॉरिटी होती है, वो कर्ता की अथॉरिटी होती है, क्योंकि सब कुछ देख रेख करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो देर इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी इन फेवर ऑफ कर्ता टू कॉन्ट्रैक्ट डैट एंड प्लेस द क्रेडिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली फॉर ऑर्डिनरी पर्पस ऑफ फैमिली बिजनेस। तो उसके आत्म अथॉरिटी वो कैसे भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को भी, किसकी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में काम करने के लिए वो प्रॉपर्टी यूज़ कर भी सकता है, डैट और प्लेस वो अपने तरीके से सारा मैनेज करता है। दीज आर बाइंडिंग टू द एंटायर फैमिली
लियो अदर मेंबर्स इज हैविंग सच एन अथॉरिटी. देखो कहने का मतलब ये है कि बाकी मेंबर्स के हाथ में भी अथॉरिटी होती है, बट लेकिन सारी मेन जो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है वो किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है.